ये 10वां टेक है और मैं इसी पार्ट को शूट कर रहा हूँ। हाय गाइस, व्हाट्स अप। आज हम लोग जा रहे हैं जू पर ट्रैम्पोलिन पार्क, बट उससे पहले हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो जू पर है गुड़गांव में और मंदिर हम जा रहे हैं कनॉट प्लेस में। चलो चलते हैं। मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं सीपी में। अभी यहाँ पे चलते हैं भगवान जी के दर्शन करने, बट उससे पहले ले लेते हैं प्रसाद। सो लेट्स गो। यहाँ पे अपने शूज उतारते हुए लाइन में इतनी देर लगने के बाद अब हम चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर। पूजा पूरी करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्रसाद भी खाया, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी था। चलो भाई, शूज वगैरह वापस पहन लेते हैं एंड लेट्स हेड टुवर्ड्स मेट्रो, क्योंकि हम लोगों को जाना है जू पर ट्रैम्पोलिन पार्क। अभी हम लोग इतना लंबा ट्रेवल करके हैं, बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। अभी हम लोग रुके एक जगह खाने के लिए, कुछ देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है और खाते हैं कुछ पहले। सो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं जू पर। देयर इट इज, लेट्स गो। करंटली वी आर एट द रिसेप्शन, तो देखते हैं यहाँ पे हमको क्या डिस्काउंट मिलता है और क्या सब इनका सीन रहता है। जू पर में यहाँ पे टोटल 3 पैकेजेस है, विच इंक्लूड्स ट्रैम्पोलिन पार्क, सॉफ्ट प्ले एंड एडवेंचर जोन। सॉफ्ट प्ले की मिनिमम एज है 1.5 से 11 साल और ट्रैम्पोलिन पार्क प्लस एडवेंचर जोन की यहाँ पे मिनिमम एज 5 साल है। एंड ऑब्वियसली वीकडेज और वीकेंड का प्राइस डिफर करता है, जो कि तुम लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख ही सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे तुम लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा, जो कि मैं तुम लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। तो तुम लोग अगर इन क्राइटेरियाज को पार करते हो तो डिस्काउंट भी तुम लोगों को अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। तो हम लोगों ने एंट्री कर ली है, अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या है, जिससे हम डिसाइड कर पाए कि हमें किस किस चीज की टिकट बाय करनी है और कहाँ घूमना है। यहाँ से 80 रुपीज की परचेज करी हम लोगों ने क्रिप सॉक्स, इसको पहनते हैं एंड लेट्स जंप इनटू इट। ये रहा मेरा बैंड, ये है ट्रैम्पोलिन वाला बैंड। ट्रैम्पोलिन वाला मतलब ये वाला है जिसके अंदर हम लोग जा सकते हैं। अभी थोड़ा टाइम बचा है, जब ये स्लॉट खाली होगा जब हम लोग लेट्स गो। वो देर भी यार, एक सेकंड, जितना इजी लग रहा था ना इस ट्रैम्पोलिन पर जंप करना, उतना इजी बिल्कुल नहीं था भाई। बहुत ही ज्यादा बाउंसी था ये ट्रैम्पोलिन, बट उसके थोड़ी देर बाद इतना कंफर्टेबल हो गए थे भाई, कैसे भी कूदने फांदने लग रहे थे हम लोग। तो हमें तो भाई ऐसा लग रहा था कि हमसे ज्यादा प्रो इस चीज में कोई है नहीं, जो मर्जी कर रहे हैं जैसे मर्जी कर रहे हैं। तुम लोगों ने ये देखा है तकेशी कासल के अंदर भी ऐसा रोलर है भाई, इसके ऊपर ही मैंने चलने का ट्राई किया। मुझे लगा बहुत इजी होगा, पर मैं 2 सेकंड में गिर चुका था इस पे से, और गिरने के बाद मैं रियलाइज किया कि ये फोम बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी और इससे मुझे कुछ भी नहीं हुआ। निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यार। फिर मैंने अटेम्प्ट 2 लिया, मुझे लगा इस बार मैं पार कर लूंगा, पर इस बार भी मैं गिर गया था। और मैं सोचा रोलर से क्यों मैं इस पे ऐसे भी गिर जाता हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर थी यहाँ पे हाइट से गिरने वाली एक्टिविटी, बट सीधा गिरने से पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि फ्लोर कैसा है। भाई फ्लोर तो एकदम परफेक्ट था, देन मैंने अटेम्प्ट लिया लेवल 1 की जंप करने का। तो देयर वी गो। पक्का? अरे अरे, तुम्हें क्या लगा लेवल 1 की जंप करके मैं डर गया, लेवल 2 की भी करते हैं। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा चिल है। अब हम लेवल 3 की भी जंप करते हैं इसके ऊपर से। अब मैं ये करता हूँ, ठीक है। कहाँ फंस गया? आजा 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 आजा, ये आ गया। चल गया। अब खुद निकलता रहा भाई। यार आपने पूरी नहीं बनाई।
सो गाइस अभी हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है, सारे राइड कर चुके हैं, एक घंटा हम लोगों को हो गया, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं भाई, सांस खूब फूली है, खूब मज़ा आया एक्चुअल में, बहुत ज़्यादा किया हम लोगों ने, बोला भी नहीं जा रहा भाई, बहुत थक गया, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, बाय। सब कुछ हमारा हो चुका है, मेरे बाल पता नहीं क्या हो गया भाई, थक गया काफी ज्यादा, बट मजा भी इतना ही आया। वापस घर जा रहे हैं और मेट्रो कर ली हमने उबर की, उबर की वापस घर जा रहे हैं, ओला कर ली हमने, मेट्रो बोला भी नहीं जा। अभी हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं छोले कुलचे एंड कोल्ड ड्रिंक।